तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, ठीक है। 1 में कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच करने हैं आपको, तो ए बी सी डी अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं और आगे उनकी कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, तो आपको बस ऐसी मैच करके बताना है। तो ए से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ए में लिखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, ए को किससे भेड़ेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड स्टोरी तो याद है ना डिस्गाइज्ड की, कि भाई जिसमें हम ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उतने की ज़रूरत नहीं है, हाँ है ना। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये हो गया नंबर 4, लगते ज़्यादा हैं लेकिन है नहीं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल को किससे भेड़ेंगे, स्ट्रक्चरल। इसमें मैंने बताया था कि जब कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं इकोनॉमी के अंदर, है ना, और सबको नौकरी नहीं मिल पाती, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल या डेफिनेशन बनती है 1, कि जब लेबर मार्केट में नौकरियां ना हो जो लोग चाहते हैं। उसके बाद तीसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं इसको बोलते हैं ना बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं हर बिजनेस में, तो उस दौरान कुछ लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। तो कौन सा हो गया, सेकंड वाला। और उसके बाद है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो तो नाम से ही क्लियर है और वैसे भी एक ही ऑप्शन बच गया, हाँ, कि जब पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो उसके बाद सेकंड, सेकंड भी एक मैच है, तो इसमें भी आपको 4 बातें दे रखी हैं और सामने उनके ईयर्स का तुक्के मारने हैं आपको, अगर पता है तो बताना है। तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, चलो तो आप भेड़ लो, या मतलब मैं बता देता हूँ, स्टार्टेड इन 1983। बी है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम्स, ये कब शुरू हुए थे, 1979 में, ठीक है, 1979 में। उसके बाद है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, 1980। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, तो एक ही ऑप्शन बच गए, तो खैर आप भेड़ ही दोगे, 1978, ठीक है ना। तो ये वाली अगर आपको याद नहीं थी डेट्स, तो ये क्वेश्चन आप रट लेना, बाय चांस पूछ ले तो पता होना चाहिए कि भाई किस प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था, है ना, रेयर ऑफ द रेयर चांस है सेफ्टी मार्जिन के लिए। तो अगर नहीं पता था तो अब याद कर लेना, बाकी चांसेस कम है वैसे तो एग्ज़ाम में पूछने के, लेकिन ठीक है, चलो आ गया तो अब याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये तो आप बता सकते हो, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, हाँ वेरी गुड, पेट्रोलियम, है ना, क्योंकि यही है जो नष्ट होता रहेगा। उसके बाद फोर्थ, व्हेन वाज़ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन क्योटो इन जापान, तो मारो तुक्का, जो क्लाइमेट में, पर्यावरण में तब्दीली हो रही है उसमें जापान में यूएन की बैठक किस वर्ष में हुई थी, बताओ। अब ये भी नहीं पता तो याद कर लेना एग्जाम में, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कोई कुछ भी आ सकता है, तो बाय चांस आ गया एग्जाम में तो आपको पता रहेगा, 1997, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस का फायदा है कि बाय चांस कोई चीज़ आपको नहीं पता तो अब इसी बहाने पता लग गई, कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा।
उसके बाद फिफ्थ, ये आप बता सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू, ये तो सिंपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली किससे रिलेट करता है? बिल्कुल सही, एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है भविष्य के लिए, राइट। उसके बाद सिक्स्थ, मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ, अब दो देशों में आपको अगर कंपैरिजन करना है तो किस बेसिस पर करोगे आप? ए में लिखा है कॉमन प्राइस लेवल, सी में लिखा है कॉमन करेंसी, बी में तो लिखा है नन, और डी में लिखा है बोथ। तो दो देशों के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो तो हम किस बेसिस पर कर सकते हैं? दोनों ही बेसिस पर कर सकते हैं, मतलब जो प्राइस लेवल्स हैं उस बेसिस पर भी दो देशों के कंपैरिजन किए जा सकते हैं, और अगर कॉमन करेंसी जो है उस लेवल पर भी या उसके रेस्पेक्ट में भी कंपैरिजन किए जा सकते हैं, तो किसी भी बेसिस पर कंपैरिजन किया जा सकता है। उसके बाद सेवन्थ, हु सेड दीज लाइन्स, ये लाइनें किसने कही थी? वैसे तो आंसर सिंपल है लेकिन फिर भी पढ़ लो। दीज न्यू एंड रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन चाइना एंड इंडिया, इवन दो दे डिफर इन कंटेंट, सिंबलाइज द न्यू स्पिरिट ऑफ एशिया एंड न्यू वाइटैलिटी विच इज़ फाइंडिंग एक्सप्रेशन इन द कंट्रीज इन एशिया। तो बताइए कौन थे पहले प्रधानमंत्री? इंडिपेंडेंस स्पीच किसने दी थी पहली? तो पहले प्रधानमंत्री थे जी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एट्थ, आप बता सकते हो, ये आपको अच्छे से पता है और होना भी चाहिए, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाइएस्ट टू इंडियाज़ जीडीपी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे भी पता होना चाहिए कि आज अगर आज की हम बात करें तो भारत की जीडीपी में किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है आज? वेरी गुड, सी, सर्विस सेक्टर आज की तारीख में है ना, तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा जीडीपी में सर्विस सेक्टर आज कंट्रीब्यूट करता है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये आप कुछ ऐसी ओरली सुना सकते हो, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। नेम द सिचुएशन वेयर मोर पीपल वर्क देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, कह रहा है कि उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जिसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है उससे। हाँ ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप दो नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको इसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। तो ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, बाकी एक लाइन में इसका मीनिंग आ जाएगा। उसके बाद टेंथ है, नेम एनिमल्स या बर्ड्स विच हेल्प इन बायो पेस्ट कंट्रोल, तो ये भी हमने डिस्कस करा था, मैंने आपको तीन चार लिखवाए थे शायद, मुझे तो याद है। तो कह रहा है कि बायो पेस्ट कंट्रोल के लिए बताओ कौन से जानवर या मतलब पक्षी पाल के रखोगे आप? तो याद है आपको मैंने कहा क्या क्या लिखवाए थे, एक तो आप सांप पाल लो, उल्लू पाल लो, मोर पिकॉक है ना, मोर पाल लो, और छिपकलियाँ, ये सब मच्छर खा जाएंगी, कीड़े मकोड़े। हाँ ठीक है ना। उसके बाद इलेवेंथ, गिव द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, कह रहा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब बताओ क्या है, तो बताओ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पता है वैसे, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ओरली बता देता हूँ, मतलब आप याद रखना क्या थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है, तो इन्फेंट्स वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फेंट्स मतलब छोटा बच्चा, तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग मतलब मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ वन है ना, और कितने लाइव बर्थ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, तो अगर 1000 बच्चे पैदा हुए है ना, जिंदा बच्चे पैदा हुए,
एक साल की आयु से पहले पहले उसमें से कितने मर जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हाँ ठीक है ना, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी। उसके बाद ट्वेल्थ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तीन नंबर का। अब यहाँ से तीन नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ट्वेल्थ से लेकर ट्वेंटी तक। तो पहले जो तीन नंबर के हैं, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो ये चार आप मतलब पहले थोड़े से इनके आंसर्स कोशिश करना लिख कर बनाने की, फिर मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। आपको 10 मिनट का टाइम दे देता हूँ, लेकिन चारों क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पहले मैं पूछ रहा है, वाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मोर इन अर्बन एरियाज़ देन इन रूरल एरियाज़। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये पूछ लेता है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर से 100% एक ऐसा क्वेश्चन कि उसमें ज़्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है, इस तरह का। तो वो कह रहा है कि रेगुलर सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो शहरों में ज़्यादा क्यों हैं गाँव में, है ना। 13th में कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये बताना थोड़ा सा। 14th में कह रहा है चाइनाज़ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, डू यू एग्री। तो ये लास्ट चैप्टर का है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसका एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया और पाकिस्तान से कम है, तो ये आपको बताना है कि यस कि नो। और 15th में पूछ रहा है हाउ इज़ चाइना एबल टू लीड इन HDI, कह रहा है कि चाइना जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कैसे आगे है, कैसे लीड कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आप इन चारों क्वेश्चन का कुछ कंटेक्स्ट बनाओ, मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा सारे। ये इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस थे 3 नंबर के, ठीक है। चलो तो पहले 12th से कर लेते हैं, कीवर्ड्स क्या लिखने हैं हमको, है ना। तो 12th में तो कह रहा है वाई आर सैलरीड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज इन मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो 12th में बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि रूरल अर्बन एरिया में मतलब शहर के अंदर जो रेगुलर सैलरी वाले लोग हैं, है ना, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हैं, वो ज़्यादा होते हैं, गांव में कम होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, है ना। तो बताओ इसमें आप क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हो, या क्या मतलब ऐसे कारण आप लिख सकते हो कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से शहर में नौकरी पेशा लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि रूरल एरियाज़ में, है ना, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एक तो एग्रीकल्चर पर आज भी डिपेंडेंट है, तो वो लोग इसीलिए नौकरी नहीं करते गांव के अंदर। ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है, तो इसीलिए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत कम है गांव के अंदर। दूसरा रीज़न आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का डाल सकते हो, या दूसरा मेन पॉइंट कि गाँव के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं जहाँ पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल पाए, है ना। गांव के अंदर ऐसी शिक्षा तो नहीं दी जाती ज़्यादातर जगहों पर, या प्रोफेशनल स्किल्स तो नहीं सिखाई जाती कि वो नौकरी कर सके, तो वो मतलब एक लैकिंग पॉइंट है इन रूरल एरियाज़। अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिलती गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, इसीलिए वहाँ के लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं। और क्या लिख सकते हो आप, और एक रीज़न ये भी लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट का, या इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ज़्यादा बेटर वर्ड हो जाएगा। ये भी एक मेन पॉइंट बनाकर ऐसे लिख देना इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या बता सकते हो कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं या MNCs होती हैं, है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़, बिग कंपनीज़ या MNCs, वो अपने ऑफिस को कहाँ सेट करती हैं जनरली, अर्बन एरियाज़ में। उनके दफ्तर जनरली कहाँ होते हैं, अर्बन एरियाज़ में। तो कोई भी बड़ी कंपनी गांव में तो अपना ऑफिस नहीं ओपन करती, या गांव में तो अपना सेटअप नहीं करती। उन्हें पता है कि भाई ना तो वहाँ पे बैंक्स हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, ना कम्युनिकेशन अच्छी है। तो हर बड़ी कंपनी का ऑफिस कहाँ होता है, शहरों में। तो जब कंपनियों के ऑफिस शहरों में होंगे तो ज़्यादा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी या सैलरीड एम्प्लॉयड भी कहाँ होंगे, शहरों में होंगे। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से शहर के अंदर ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है और गांव में कम देखने को मिलती है।
तो ये आप तीन मेन पॉइंट्स इसमें कवर कर सकते हो। तो फटाफट लिखना है तो लिख लो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कीवर्ड्स। एक एग्रीकल्चर का पॉइंट्स पॉइंट लिख सकते हो मेन हेडिंग डाल के, एक एजुकेशन का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो शहर में तीनों ही चीज़ें बेहतर हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं, और गांव में लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद 13, तो चलो एक डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन है कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। तो ये तो आप एक नॉर्मल बेसिक जर्नल अंडरस्टैंडिंग कर के बेसिस पर लिख सकते हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जो मीथेन गैस है, ये सब इस तरह की गैसेस हैं जो धीरे धीरे वातावरण को गर्म कर रही हैं और जिससे हमारे जो मतलब ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं या आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है और समुद्री स्तर जो है पानी का वो बढ़ जाता है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग वाली स्टोरी थी वो आप इसमें बता सकते हो। तो ग्रीन हाउस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो इन्हीं को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन गैस, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब भी यही है कि ये जितनी भी गैसेस हैं ये टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, गर्म कर रही हैं, तो इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये वो है, हो गया। ठीक है, तो ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 14th एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखता हूँ क्या बताओगे। कीवर्ड इम्पॉर्टेंट कि चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, मतलब कह रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में कम है, तो क्या आप एग्री करते हो बताओ, और अगर करते हो तो मतलब क्यों करते हो, फिर वो भी मुद्दा। हाँ बिल्कुल सही, तो यस है, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है लास्ट चैप्टर में बिल्कुल, तो आपको ये ही लिखना है कि यस, और सही कीवर्ड भेजा अक्षत बाबू ने और आर्यन भाई ने भी बिल्कुल सही। और इसका जो मेन रीज़न है आपको यही लिखना है कि 70s के दौर में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी और उस वजह से उन्होंने मतलब अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल करा, या उस पॉलिसी की वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, वो काफ़ी कम हो गया। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना का जो पॉपुलेशन बढ़ने की ग्रोथ रेट है वो कम है और इंडिया की ज़्यादा है बिल्कुल, या पाकिस्तान की भी ज़्यादा है बिल्कुल। ठीक है ना, सही है। उसके बाद 15 था, हाउ इज़ चाइना एबल टू लीड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी 15th। अब 15th में अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर, तो उसमें जब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स लिखे थे या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लिखे थे, तो उसमें आप सबको ये तो याद ही होगा कि चाइना जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही इंडिकेटर्स में बेटर था, है ना, एज़ कम्पेयर टू इंडिया और मतलब पाकिस्तान, है ना। तो वो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे इंडिकेटर्स थे। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि भाई चाइना क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज़्यादा बेहतर है, हाउ, है ना, हाउ इज़ चाइना एबल टू लीड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखना इसमें जो ये बताएं कि भाई हाँ इन वजहों से चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा था, है ना। तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो आप एक इसमें लिख सकते हो एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब चाइना जो है उसने अपनी इकनॉमी को इतना ओपन इकनॉमी बना रखा है ना, एक मार्केट प्लेस बना रखा है। तो चाइना ने जब रिफॉर्म्स स्टार्ट करे 1978 के बाद से, तो इतना ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या इतने ज़्यादा मतलब रिफॉर्म्स का फ़ायदा हुआ चाइना को कि उनकी गरीबी ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गई और उन्होंने अपने देश से गरीबी को काफ़ी हद तक कम कर दिया। तो इसलिए उनके यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा अभी नहीं हो पाया। दूसरा रीज़न आप चाइना का लिख सकते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने अपने रिफॉर्म्स के बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करा, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ
कि वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स की सुविधाएं बच्चों को मिलनी शुरू हुई, और ऑब्वियसली जब अच्छे स्कूल, अच्छी लिटरेसी, अच्छी हेल्थ होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो अच्छे हो ही जाएंगे। तो ये भी मतलब एक कारण है जिस वजह से चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा रहता है ना, ये एक रीज़न लिख सकते हो। बाकी एक और पॉइंट अगर आपको ऐड करना है तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जो सोशल सिक्योरिटी है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, या मतलब जो अपने सिटीजन्स को देते हैं, वो भी मतलब उस अच्छे प्रोवाइड करते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो उससे क्या रहता है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी लोग वहाँ के काम करते हैं, तो उन्हें मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया या इंश्योरेंसेस हो गए, उन सब का ध्यान ज़्यादा रखती है चाइना। तो उससे उनके एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो जब सरकार अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने सिटीजन्स का अच्छा ध्यान रखेगी, उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी, तो फिर कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऐसे देश के अच्छे ही होंगे। तो आप इसमें कोई भी दो तीन पॉइंट्स मतलब लिख सकते हो जो मैंने आपको ये वाले मेन पॉइंट्स दिए कि इस वजह से चाइना के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इंडिकेटर्स बेहतर हैं, है ना, क्योंकि चाइना मतलब कुछ अच्छे काम कर रही है। और आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो कि मैल न्यूट्रिशन कम है चाइना में, वो न्यूट्रिशनस फूड पर ध्यान देते हैं, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी है कि मतलब चाइना में गरीबी कम हो गई। ठीक है आर्यन भाई, गरीबी कम क्यों हुई? क्योंकि जब रिफॉर्म्स आए तो उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा अपने देश को ओपन कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में उनके आने लगी, तो कहीं ना कहीं गरीबी कम हो गई। तो मतलब कोई भी तीन चार चाइना के अच्छे पॉइंट चिपका देना जो मन करे, और उससे फिर मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ चाइना ने इसीलिए अच्छे काम करे तो इसीलिए उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे बेहतर है। चलो ठीक है, अब 16th देखते हैं। 16th में कह रहा है, पूछ रहा है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन एनी थ्री कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर आप बता ही दोगे, तो एक डायरेक्ट डेफिनेशन है ना, कि भाई ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं पाता, है ना। अब वो कह रहा है कोई भी तीन कॉन्सिक्वेंसेस बताओ अनएम्प्लॉयमेंट के, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, बेरोज़गारी अगर है तो इससे क्या दुष्परिणाम होंगे, है ना। तो बताओ तीन दुष्परिणाम क्या होंगे, बहुत सिंपल है, तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक तो होगा राइज इन पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी देश में, है ना। दूसरा लिख सकते हो लॉस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जितनी बेरोज़गारी होगी तो मतलब कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, और लोग काम नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है। और क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंस, स्लो ग्रोथ, हाँ ये भी लिख सकते हो, हालांकि वो भी प्रोडक्शन में ही हो गया, लेस है ना, स्लो ग्रोथ लिख सकते हो। बाकी आप ये भी लिख सकते हो इससे सोशल अनरेस्ट भी रहेगा। सोशल अनरेस्ट का मतलब होता है कि समाज में उठापटक रहेगी, मतलब इनइक्वालिटी रहेगी समाज के अंदर, क्योंकि जो लोग बेरोज़गार हैं वो बेचारे गरीब होते रहेंगे, है ना, उनके पास पैसे कमाने का साधन नहीं होगा, और जो काम कर रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं, तो समाज में इनइक्वालिटी भी होगी, हो सकती है मतलब। तो आपको कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट के दुष्परिणाम लिखने, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि बेरोज़गारी से क्या होता है, बेरोज़गारी से क्या नुकसान होगा देश को, तो ये लिख सकते हो आप, है ना, कि बेरोज़गारी से ये नुकसान हो गया। रीज़न नहीं पूछ रहा बेरोज़गारी के, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आपको इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं लिखने कि फॉल्टी प्लानिंग की वजह से होता है, ये है वो है, नहीं, आपको ये लिखना है कि अगर बेरोज़गारी हो गई तो उसके होने के बाद क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है बाद, कि अगर बेरोज़गारी हो गई तो उसके बाद दुष्परिणाम क्या होंगे, ठीक है। मतलब कि आप अगर 12th में फेल हो गए तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको तीन बातें बतानी है कि पापा जूते से मारेंगे, मम्मी चप्पल से मारेंगी, पड़ोसियाँ अपनी नज़रों से मारेंगे, तो आपको बाद में क्या हुआ वो बताना है। कारण नहीं पूछ रहा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी मैं इसलिए फ़ेल हो गया, मैं मोबाइल में ज़्यादा लगता था मैं इसलिए फ़ेल हो गया, या मैं मतलब सोशल मीडिया में रील्स देखता था मैं इसलिए फ़ेल हो गया, रीज़न नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है होने के बाद क्या होगा, समझ गए क्वेश्चन।
चलो 17. व्हाट हैज़ लेड टू एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज? बताओ कोई भी दो तीन पॉइंट. शहर में क्यों है वायु प्रदूषण? ठीक है, तो सही आ गया, तो सिंपल आंसर है. एक तो इंडस्ट्री, इसमें आप डायग्राम भी बना देना, है ना, इंडस्ट्री, वो धुआं निकलता रहता है. दूसरा व्हीकल्स, जो इतनी गाड़ियां हैं उससे पॉल्यूशन फैलता रहता है ना. और बाकी एक अगर और लिखनी हो तो आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हो कि भाई शहरों में इतना ज़्यादा कई बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती रहती है जिस वजह से भी ये धूल मिट्टी और एयर पॉल्यूशन फैल जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, है ना. तो ये दो तीन मेन कारण है जिस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. उसके बाद 18th एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये मतलब आप बुक से पढ़ना या नोट से मतलब पढ़ना, इसके लिए आपको याद करना है. कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफी. वैसे मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम के अंदर आपको ऑलरेडी वो एक टेबल देंगे इसकी, है ना. तो आप उस टेबल से हेल्प लेकर फिर इंडिया का या पाकिस्तान का या चाइना का कंपैरिजन कर सकते हो. लेकिन हाँ, वैसे अगर मान लो ऐसी बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान की डेमोग्राफी के बेसिस पर दोनों देशों की कह रहा है तुलना करो, तो आप इसमें पॉपुलेशन का पॉइंट बता सकते हो, है ना, कि इंडिया की ज़्यादा है पाकिस्तान की कम है. ग्रोथ रेट का पॉइंट बता सकते हो कि ग्रोथ रेट पाकिस्तान की ज़्यादा है इंडिया की कम है. फिर डेमोग्राफी में आप फर्टिलिटी रेट बता सकते हो कि पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है इंडिया का कम है. फिर आप इसमें सेक्स रेशियो बता सकते हो, सेक्स रेशियो इंडिया का कम है पाकिस्तान का ज़्यादा है. तो मतलब जो डेमोग्राफी वाले पॉइंट से कंपैरिजन के वो आप इसमें कर सकते हो, है ना. उसके बाद 19th है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन मनरेगा. तो इसके दो तीन पॉइंट्स बस आपको पता होने चाहिए मनरेगा के बारे में. वैसे तो आपसे इसमें 1 नंबर तक या 3 नंबर तक ही पूछता है मैक्सिमम, तो बस इसमें आपको ये याद रखने हैं दो तीन बातें कि 2005 के अंदर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब जो था कानून, उसके तहत ये मतलब स्कीम आई थी जिसमें जॉब की गारंटी दी गई थी, और वो भी कम से कम 100 डेज़ के लिए. तो मतलब ये कि भाई आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे, आपके पास कोई नौकरी अगर नहीं है, तो सरकार आपको मिनिमम गारंटी दे रही थी कि भाई 100 दिनों की तो हम आपको मिनिमम जॉब की गारंटी ही देंगे. तो ये था मेनली मनरेगा, और इसके मतलब एक दो गोल्स आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था इसका पीछे सरकार का उद्देश्य, और सोशल आप कह सकते हो सेफ्टी और बढ़ानी थी. मतलब सोशल सेफ्टी मतलब कि ऐसा ना हो कि लोग बेचारे भूखे मर जाएँ, बेरोज़गार हो जाएँ, है ना. और कहीं ना कहीं इससे देश की ग्रोथ में भी हेल्प होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना देश का ग्रोथ भी होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. तो ये इसके मतलब कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो, है ना. उसके बाद लास्ट 20th क्वेश्चन, ये भी आपका ना जो कंपैरिजन वाला इंडिया चाइना और पाकिस्तान का चैप्टर है, उसमें आपको डेटा रटने नहीं है. एक बच्चा पूछ भी रहा है, डेटा आपको देगा ऑलरेडी, ठीक है, एनालिसिस के तौर पे. लेकिन बस आपको फिर भी एक बार रीड कर लेना, पता होना चाहिए कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन किस में अच्छा है. बस तो जैसे इसमें देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इन पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, है ना. तो पाकिस्तान पर ये एक ही क्वेश्चन है जो बनता है, काफ़ी बार पास्ट ईयर में आया भी है, कि पाकिस्तान के अंदर जब रिफॉर्म्स आए तो उससे उल्टा उनके हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, है ना, ये स्पेशल बात है. हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैज़ बीन सस्टेनिंग. लेकिन कुछ सालों में, लास्ट के कुछ सालों में, फिर भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिकवर कर लिया है. तो वो आपसे पूछ रहे हैं डिफेंड या रिफ्यूट. तो बताओ पहले तो क्या स्टार्टिंग करोगे आप. तो आपको इसमें स्टार्टिंग यही करनी है कि यस, ठीक है ना, आई डिफेंड या मतलब आई एग्री विद द स्टेटमेंट. क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल सही दे रखी है ना, डिफेंड करना है आपको बिल्कुल.
और रीज़न में आप वो स्टोरियाँ लिख सकते हो जो आपको एज इट इज़ नोट्स में दे रखी थी। जैसे दो पॉइंट्स तो ये थे कि रिफॉर्म्स आने के बाद पाकिस्तान में हमने देखा कि री इमरजेंस हो गई थी पॉवर्टी की, मतलब पॉवर्टी कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गई थी, है ना, ये देखा था। और ग्रोथ रेट जो था उनका पाकिस्तान का रिफॉर्म्स आने के बाद वो भी कम हो गया था। और इसके आप फिर रीज़न लिख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़ बुक में, नोट्स में आपको इसी ऑर्डर में दे रखा है कि भाई पाकिस्तान में रिफॉर्म्स तो आए थे लेकिन रिफॉर्म्स आने के बाद पॉवर्टी री इमर्ज कर गई थी, ग्रोथ रेट कम हो गया था, और क्यों हो गया था इसके रीजंस भी दे रखे थे, वो भी आप लिख सकते हो कि क्यों हो गया था। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें वो बहुत ज़्यादा सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करते थे, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं थी उनकी, है ना, ये था पॉइंट। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा वो फॉरेन की हेल्प लेते थे, फॉरेन एड एंड रेमिटांस, मतलब उनका कोई अपना एक्सपोर्ट तो था नहीं या एक्सपोर्ट सरप्लस तो ज़्यादा था नहीं, तो उन्हें सिर्फ अपने जो उनके मजदूर बाहर काम करते थे वहाँ से बस उनको रेमिटांस मिलता था। और तीसरा रीज़न था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलती रहती है, उठापटक, राजनीतिक उठापटक की, जिस वजह से उनके रिफॉर्म्स आने के बाद भी मतलब ग्रोथ नहीं हो पाई। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है। तो पाकिस्तान पर एक ही क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा हर साल तो नहीं लेकिन जितनी बार भी आया यही आया है, तो बस आप इसमें यही याद रखना कि भाई पाकिस्तान के रिफॉर्म्स आने के बाद हालात उनके सुधरने की बजाय उल्टा ख़राब हो गए थे, और उसके रीजंस जो थे वो ये थे बेसिकली। चलो ठीक है, तो अब देख लो कि बिल्कुल अच्छे से सब बातें क्लियर हो गई तो मुझे बता देना, ठीक है ना। बाकी यही थे आपके क्वेश्चन सारे, तो इसमें आपका इसी तरह का क्वेश्चन मतलब कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा।